यार हो गया है भाई, क्या बात है, आज तो लग रहा है वीडियोस में। आज हम डुएट करेंगे, जैसे ऑलरेडी वीडियोस पे किसी ने अगर किसी गाने के ऊपर कोई एक्टिंग की हुई है वीडियो के ऊपर वो डाल रखा है, उसी से हम डुएट करने वाले। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू योर ऑन चैनल रावत सर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मेरी तरह बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारा सेकंड व्लॉग है, आज हम सेकंड व्लॉग अपना शूट करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम वीकली व्लॉग शूट करते हैं, जिससे आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन हमारा बढ़ता है। तो ये हमारा सेकेंड वीक है, तो आज जो हमारा शूट रहने वाला है, बिकॉज पिछले दो तीन हफ्ते से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हमारी हालत ख़राब हो जाती है जब हम आउटडोर शूट करते हैं। आज का जो हमारा थीम रहेगा वो इंडोर शूट का रहेगा। बहुत सारा कंटेंट हमने आपके एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा छाट रखा है जो कि इंडोर शूट में काम आने वाला है, तो हमने इंडोर शूट का कंटेंट ही आज के लिए छाट रखा है। तो आज हम इंडोर शूट करेंगे जो कि हमारा होता है मुन्ना भाई के घर। तो मुन्ना भाई सर्किट वाले नहीं, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, हमारे मित्र हैं जो मुन्ना भैया, हम उनके घर पर करने वाले हैं ये इंडोर शूट हमारा उन्हीं के घर पर प्लान होता है। हम तीनों फ्रेंड्स वहाँ मिलकर आपके एंटरटेनमेंट के लिए इंडोर शूट के ब्लॉग को वहाँ शूट कर लेते हैं, वीडियोस को शूट कर लेते हैं। तो मैं ऑलरेडी हमारा आज 11:30 का मीटअप था, तो ऑलरेडी टाइम जैसे कि आप देख रहे हैं या 11:30 हो चुके हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली लेट हो जाता हूँ, आपको पता ही है, मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था। हेयर स्टाइल और बियर्ड स्टाइल को सेट करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है जिसकी वजह से मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। इस वजह से दोनों दोस्त मुझे बोलते भी रहते हैं, ठीक है इतना चलता है आधा घंटा, तो मैं लेट हूँ। तो अब मैं निकलता हूँ अपनी लोकेशन से, वो रास्ते में थोड़ा सा ब्लॉग शूट करके बाकी आपसे मिलेंगे मीटअप पॉइंट पे, यानी मुन्ना भाई के घर पे, जहाँ हम ब्लॉग शूट करने वाले हैं। तो आज हम बहुत कुछ अलग भी करने वाले हैं जो हमारा थीम रहेगा, बाकी की बातें हम करेंगे अपने मीटअप पॉइंट पे यानी मुन्ना भाई के घर पे पहुँच। तो आपसे मिलते हैं। तो अब हम ऑन द वे हैं, मैं निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ। तो मुन्ना भाई के घर पे पहुँचने में, जैसे कि आपको पता है मेरे लोकेशन से उसके जो मीटअप लोकेशन है उसका जो डिस्टेंस है अप्रॉक्स 30 मिनट्स है। तो ऑलरेडी मैं 15 मिनट्स का ड्राइव कर चुका हूँ, अभी मुझे 15 मिनट्स और लगेंगे और मैं ऑलरेडी लेट हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया है। और वो दोनों मुझ पर थोड़ा सा गुस्सा भी कर रहे थे, चिल करने के लिए कोल्ड ड्रिंक ले ली, उनको पहले चिल करूँगा उसके बाद हम वीडियोज वगैरह शूट करेंगे। तो आज का जो हमारा इंडोर शूट रहेगा, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंडोर शूट के अंदर हमने जो अपना टारगेट बना रखा ऑलमोस्ट 20-30 वीडियोस का बना रखा। ड्राइव करते हुए कैमरे की तरफ देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड, तो उस चीज़ को आप मैनेज कर लेंगे। तो हम पहुँचने वाले हैं, 15 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। तो चलाते चलाते ब्लॉग शूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम छोटा सा सेशन करते हैं, बाकी की बातें हम करेंगे मीटअप पॉइंट पे यानी मुन्ना भाई के घर पहुंच। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हम पहुंच चुके हैं अपने मुन्ना भाई के घर पे, तो आज जो हमारा इंडोर शूट है उसके लिए हम मुन्ना भाई के घर पे आ चुके हैं। ये रहे मुन्ना भाई। हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए मुन्ना भाई आज हमें मिल गए, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था मुन्ना भाई घर पे अवेलेबल नहीं थे, कहीं गए हुए थे। तो आज हम इंडोर शूट के लिए, अभी हमारे पास मोटा भाई नहीं आए हैं, जैसे ही मोटा भाई आएंगे अभी हम उनका वेट कर रहे हैं, तब तक हम बाकी प्रिपरेशन कर लेंगे जिससे हम वीडियोस को अपने शूट कर सके। तब तक के लिए हम जो सिंगल के वीडियो शूट्स है या हमारे जो डबल वाले जो हम ट्राइपॉड पे कर सकते हैं वो वीडियोज हम शूट करने वाले हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है गाइस, इस वजह से हम इंडोर का प्लान इस बार रखा है। जैसे कि आपको बता चुका हूँ बाहर तो इतनी ज्यादा हालत खराब है, टेम्परेचर जो है अप्रॉक्स 40 के आसपास पहुंच चुका है। कल एक दो दिन पहले बारिश हुई थी जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, लेकिन फिर भी बाहर बहुत ज़्यादा है। चलिए मिलते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपके भाई। मोटा भाई आ चुके हैं, मोटा भाई हेलो कीजिए। तो अब मोटा भाई आ गए, लग रहा है कैरी डाओगे आज तो वीडियो चलिए मोटा भाई, आपके वेट के चक्कर में बहुत लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी हमने 2-3 वीडियो कर चुके हैं हम। अब जो बाकी वीडियोस का टारगेट है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं,
और आज जो हम अलग सा सेशन ये रखेंगे, आज हम ड्यूएट करेंगे। जैसे ऑलरेडी वीडियोस पे किसी ने अगर किसी गाने के ऊपर कोई एक्टिंग की हुई है वीडियो के ऊपर वो डाल रखा है, उसी पे हम ड्यूएट करने वाले हैं। ऐसी दो चार वीडियोस डालेंगे, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस तरीके की वीडियोस आगे और करेंगे। अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट में बता देंगे, हमारे से नहीं करेंगे ड्यूएट। बट हमारी सारी इंटेंशन आपके इंटरेस्ट को लेके रहेगी, जैसा जैसा आपका इंटरेस्ट है आप हमें कमेंट में नीचे बता सकते हैं। तो चलिए, हम ऑलरेडी लेट है, बाकी वीडियोस करनी है। आज का हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा ह्यूज है, तो हमें बड़े टारगेट में सारा काम करना है, टाइम कम है, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। गुंडिया का साथ क्यों ना छोड़ता रह तू, ये गुंडे त्रिगाम में बराती आवेंगे, मेरी सहेली बता मैं बड़े बेवड़े सुथम, कोई ना साली आगे आग पैक घाट लावेंगे। गुंडिया का साथ क्यों ना छोड़ता रह तू, अरे ये गुंडे त्रिगाम में बराती आवेंगे, मेरी सहेली बता मैं बड़े बेवड़े सुथम, कोई ना साली आगे आग पैक घाट लावेंगे। तेरी होली से खत्म, इला टूरा ने ईव ते कटाले बेशरम, कल माने फोटो तेरा फोन में से देखा, बोली कौन सा यो बाबा सुन आगे रशरम, ओम अपनी है मस्ती मेरा वासा मगन, जो दिल माने काम वो है करा करा हम, हो तन्ने ते बेरा सब बाता का सारी के पिए पाछे लाड बहुत करा करा हम, ओ सुन के परिच सारे टूट जा भरम, छोरेगा देख गए न टोरा साले माचे पावेंगे। इन गुंडिया का साथ क्यों न छोड़ता रह तू, अरे गुंडे तेरे गांव में बराती आवेंगे, मेरी सहेली बता मैं बड़े भेवड़े सुथम, कोई ना साड़ियां के आग बैग घाट लावेंगे। आज का हमारा लास्ट सेशन है, हम अपना ऑलमोस्ट जो टारगेट था वो कंप्लीट कर चुके हैं, और मोटा भाई आज थोड़ा जल्दी चले गए, उनको घर पे काम था, तो मुन्ना भाई और मैंने हमने अपना लास्ट वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 15-16 वीडियोज हमने कर ली है। थोड़ा सा मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो गला भी आपको लग रहा होगा, आवाज़ के अंदर वॉइस मेरी ख़राब हो रही है। तो आज का टारगेट कंप्लीट करके हम मूव ऑन कर रहे हैं, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारे ब्लॉग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं कि हम अपने ब्लॉग्स को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।